कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज रायपुर छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ है। इस अधिवेशन में कई अहम फैसले लिए गए हैं। लगभग 15,000 से ज़्यादा की संख्या में आए कांग्रेसी नेता और पदाधिकारियों के बीच 3 दिनों का यह सम्मेलन आज समाप्त हुआ है। अधिवेशन में शराबबंदी पर लगी पाबंदी हटने से लेकर पार्टी की उच्चतम कमेटी यानी कि CWC में महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी बढ़ने तक क्या क्या अहम फैसले लिए गए और इनके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस अधिवेशन के 5 बड़े फैसले। कांग्रेस की CWC जो सबसे अहम कमेटी होती है, उस कमेटी के चुनाव नहीं हुए बल्कि कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। दूसरा बड़ा फैसला ये रहा कि इस CWC में अब तक 50% सीटें इस बार से आदिवासियों, दलितों, युवाओं, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया, कांग्रेस ने अपने खुद के संगठन को व्यवस्थित करने के लिए अब तक बहुत सारी जो अन्य कमेटियां बनती थी मंडल और जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उन सबको भंग करके अब 4 कमेटियां बनेंगी, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। अपने चौथे अहम फैसले में कांग्रेस ने 2025 से पार्टी की सारी गतिविधियों और सारी मेंबरशिप को डिजिटल पर करने की बात कही। इसके अलावा पार्टी में अब तक सिर्फ मेल और फीमेल का कॉलम होता था, उसमें अब इन्होंने ट्रांसजेंडर का भी कॉलम जोड़ा है और इसके अलावा पिता के नाम के साथ ही माता का नाम और पत्नी के नाम के कॉलम को भी जोड़ने की बात कही गई। 5वां बड़ा फैसला, कांग्रेस ने अपनी AICC सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने का लिया है। लगभग हर निर्णय में कांग्रेस ने इस बार युवाओं की, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया है। ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि पार्टी में जो बूढ़ों की पार्टी का जो तमगा लग रहा था धीरे धीरे, उसको खारिज करके नया जोश और इसके साथ ही अपने जो युवा कार्यकर्ता, जो युवा नेता हैं, उनको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर उन तक पहुँचाने की कोशिश की है। जो गांधी परिवार से जुड़ी हुई जो छवि है उसको दूर करने का कोशिश किया है। सबसे पहले दिन की अगर हम बात करें तो AIC जो सबसे पहली जो मीटिंग थी, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें से गांधी परिवार पूरी तरह से नदारद रहा। हालांकि उसके कई कारण निकल करके आए, लेकिन अपने सदस्यों तक जो मैसेज पहुंच रहा है वो यही कि पार्टी सिर्फ गांधी परिवार पर नहीं टिकी हुई है बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने को। हालाँकि ये बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, गांधी परिवार के स्वामित्व वाली पार्टी का जो इमेज बना हुआ है वो एक बार में नहीं ख़त्म होगा, लेकिन इस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना अधिवेशन छत्तीसगढ़ में करा करके मध्य भारत के जो अपने वोटर्स हैं उनको साधने की, और मध्य भारत के जो अपने कार्यकर्ता, जो युवा नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, उनमें जोश भरने का जो कवायद है उस ओर भी कदम बढ़ाए हैं। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में इस अधिवेशन का आयोजित होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने इस अधिवेशन में कई और बड़े फैसले लिए, कई और प्रस्ताव पारित किए, फिर चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो। कांग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने की बात कही, हालाँकि उन्होंने आर्टिकल 370 का वहाँ पर एक बार भी जिक्र नहीं किया। हालांकि 2023 विधानसभा और 2024 की लोकसभा चुनावी रणनीति, चुनावी रोडमैप तैयार करने की तमाम दावों के बीच ये जो फैसले लिए गए हैं ये कितने कारगर होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। क्विंट तीनों दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल रहा। यहाँ पर क्विंट ने यहाँ से रिपोर्टिंग की, आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचाई। इस बीच लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग आए थे, 15,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी आए थे, लेकिन वो जोश जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कम दिखा। हालांकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए लोगों में जोश बहुत दिखा। उस वक्त लोग अटेंटिव होकर बैठे भी थे, लेकिन बाकी समय कहीं ना कहीं इस अधिवेशन का जो त्वरित प्रभाव जो कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्विंट के मेंबर बनिए और जुड़े रहिए हमारे साथ देश विदेश की तमाम खबरों के लिए।